महाराज जी को शास्त्री जी ले जाते हुए ऊपर कक्ष में, ये पूरा आप देख रहे हैं त्रिपुरालय, जगत गुरु श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जी का आज षोडशी कार्यक्रम में, आज लगभग कई हजारों लाखों लोग पधारे हुए, तो आप देख रहे हैं आज प्रेस वार्ता में यहाँ पर सभी लोग उपस्थित रहे हैं, सभी शास्त्रीगण हैं। आप अपने अपने विचार बताइए कि आज यहाँ पर आपकी उपस्थिति किस कारण से हुई है। सर पूरी क्लास लगती थी जो सन्यासी था, ब्रह्मचारी है, दंडी सन्यास सभी की, गुरु जी यहाँ पर क्लास लेते थे। आज पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की षोडशी का कार्यक्रम है, दूर दराज से भक्तगण आ रहे हैं और इसके बाद दोनों पीठों में शंकराचार्य पूज्य भगवान के उत्तराधिकार नियुक्त किए गए हैं और द्वारका पीठ में पूज्य सदानंद सरस्वती जी महाराज शंकराचार्य नियुक्त किए गए हैं और ज्योतिष पीठ में श्री अभिगुप्तेश्वरानंद जी को शंकराचार्य घोषित किया गया है। ये पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की पूर्व प्रेरणा से ये सब कार्य यहाँ पर हुआ है। आज हम लोग भी भगवान शंकराचार्य की षोडशी कार्यक्रम में पहुँचे हैं और हमारे सभी मित्रगण सहपाठीगण सब आनंद ले रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ये पूरा महाराज श्री का है त्रिपुरालय, जहाँ पर महाराज जी विराजमान रहते थे। यहाँ पे सब आज हर जगह देखें तो पूरे लाखों लोग यहाँ पर उपस्थिति अपनी दे रहे हैं और सभी लोग यहाँ पर षोडशी में आए हुए थे। लगभग अभी तो समापन की ओर है कार्यक्रम, पर नीचे लाखों लोग अभी भी भोजन प्रसादी पा रहे हैं। सभी लोग यहाँ पर आज प्रसादी पा रहे हैं। लाखों लोग देख रहे हैं आज त्रिपुरालय में भीड़। आज यहाँ पर स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती जी का षोडशी के कार्यक्रम में महाराज जी लोग पधारे हुए हैं भोपाल से, तो आपने दर्शन करे। बड़े ही दूर दूर से ये लोग पधारे हुए हैं। ये पूरा आश्रम देख रहे हैं आप, वहाँ मणिदीप है अंदर, ये सिद्धेश्वर मंदिर। हाँ ठीक, बस हाँ बस। ये है समाधि स्थल, आप देखेंगे आगे यहाँ पर महाराज जी ने समाधि स्थल के आप दर्शन कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं आज सभी भक्तगण बहुत लोग दूर दूर से आ रहे हैं। हेलो चलो आ जाओ।
महाराज की जय। बोलो जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। नाम का मान नहीं गया रस्म। चलिए बढ़ते रहिए। बढ़ते रहिए भाई। आप देख रहे हैं स्वामी जी की बहुत बड़ी तस्वीर, सब शिष्यगणों ने लगाए हैं और ये देख रहे हैं हम देवी जी का सिद्ध मंदिर है ये, जो कि यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग पधार रहे हैं। आप सभी को ये दर्शन कराएंगे हम। भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराज जी के कर कमलों से हुआ था और आज अपार भीड़ यहाँ पर लगी हुई है, क्योंकि आज महाराज जी का षोडशी पूजन हुआ था। इतना प्यारा दृश्य आप देख रहे हो पूरा, और ये माता भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी पूरा आसपास आप देख रहे हैं। तो आपने देखा ये अलौकिक दृश्य, ये पूरा मंदिर देख रहे हैं आप। राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का मंदिर जहाँ पर आज महाराज जी का षोडशी कार्यक्रम संपन्न हुआ, जहाँ पर हजारों लोग आज तो आप देख रहे हैं आदि शंकराचार्य श्री, ये पूरी ये देखेंगे आप
पूरी 64 योगिनी मैया यहाँ पर विराजमान है। और ये दिव्य आप देख रहे हैं मंदिर की संरचना, जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के पूरा ये हैं और 64 योगिनी का यहाँ पर निर्माण हुआ। आपने देखा आज बड़ा ही अलौकिक दृश्य, बोलो सतगुरुदेव भगवान की। स्वागत तो क्या करें, लेकिन आपको श्रद्धांजलि सभा में सवेरे से निरंतर बैठा हुआ देख करके आपके मन में महाराज श्री के प्रति जो भावना है उसका प्रकटन हो रहा है, और उस प्रकटन को देख करके हम सब भी कहीं ना कहीं से बल प्राप्त कर रहे हैं। बंधुओं, बात छोटे में भी कही जा सकती है और बड़े में भी कही जा सकती है। भगवान शंकराचार्य को तो भाष्यकार के रूप में ही पहचाना जाता है, सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवंत। बादरायण व्यास देख रहे हैं हम सभा में।